क्योंकि आज हम यहाँ रह भी रहे हैं ना, तो आज सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से रह रहे हैं। इस समय हमारे माँ बाप साथ दे रहे हैं और भगवान तो साथ दे ही रहा है। भगवान का साथ बहुत ज्यादा जरूरी है और माँ बाप का साथ बहुत जरूरी है। राधे राधे सभी को, जय सत्संग, गुड मॉर्निंग। तो पूजा हो गई है, ठाकुर जी के दर्शन भी कर लो। राधे राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज ना हम 5:30 बजे उठ गए थे, कहे कि गौरी ना चिल्ले आ रही थी, फिर हमारी नींद खुल गई, हमें भूख भी लगन लगी, तो फिर नींद आई ही नहीं है। देखो गौरी को इंजेक्शन लग रहा है, जी पहले जो प्रॉब्लम हुई थी स्किन वाली, इसको ये देखो ये थोड़ी थोड़ी हो रही है। डॉक्टर को बुलाया इंजेक्शन के लिए, तो ये इंजेक्शन लगाएंगे सही हो जाएगी ये, तो डर रही गौरी। देखो दो इंजेक्शन लगने, गौरी कितनी डर रही। गौरी तुम्हें अच्छे के लाने लग रहा है इंजेक्शन, ठीक है? ये कपड़े कौन लेकर आया है आपके? गाइस देखो कितना क्यूट लग रहा है सिवांश, ये नीचे करने का, ये दादी लेकर आई है इसके लिए कपड़े। कैसे है कपड़ा? पतले है, गर्मी नहीं लगे। अच्छा, और जी अपनी इधर दिखाइयो ज्यादा मुड़ी अपनी जी, क्या हो गया तुम्हारे सिर पे? फूले फूले क्या हो गया? देखो फुड़िया फुड़िया कैसे हो गई? धूप में घूमती, इसी वजह से हो गई। हाँ तो आप घूमोगे धूप में? ना। नहीं लगेगी। जैसे कलर के तुम्हारे कपड़े हैं उसी कलर का ये है, लो इसको ले जाओ, इसी के ऊपर बैठ के चले जाओ। कैसा मुंह कर रहे हो ये? डर रहा है क्या? शिवांश लो इस पे घोड़े पे बैठ के चले जाओ। मैचिंग 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 के कलर कर रहा हूँ। वाह ले तो गिर गया लो। क्या ही मौसम हो गया है गाइस, बहुत ही प्यारा ठंडा ठंडा। अपने से डेली डेली बढ़िया मौसम हो जाता है। उड़ा ना जाइयो तुम कटप्पा हो तेको कटप्पी मोड़ा को कटप्पा बना। क्या खा रही हो? संतरा खा रही है। तुम तो बकरा रहे हो है, और कपड़े भी नहीं पहने हो नीचे। ये मच्छर गया, मच्छर मच्छर गया मच्छर। भाई जी देखो पता नहीं क्या बना रही है, इतना तामझाम रख के। भाई क्या बन रहा है? आलू के सैंडविच बना रहा है, भूख लग रही है, पेट ही नहीं भर रहा। सैंडविच बना रही हो? आलू। तो साधना बोल रही है कि उसका पेट ही नहीं भर रहा है, भूख लग रही है आज उसको बहुत ज्यादा, तो इसीलिए। तुम्हें बताओ काका खा चुके? अब मुझे तो ना पता काका खाओ तुमने, तो ये सैंडविच बना रही है आलू के सैंडविच। पहली बार सुन रहा मैं तो आलू के सैंडविच। बना दे चलो। देखो ये सारा सब कुछ सामान रख के सैंडविच बनाने की तैयारी चल रही है। मैं भी हेल्प कर रहा हूँ, सामान वामान ला रहा हूँ, ये टेबल वेबल सब वगैरह सब रखा मैंने। चलो तो बनेंगे फिर दिखाएंगे आपको, देखेंगे कैसे बनते हैं भैया आलू के सैंडविच। ये इतनी पागल है कि क्या ही बताऊँ। जब ब्रेड कम थे पूरे में, देखो एक तरफ लगा लिया, भूली गई कि ब्रेड कम है, अब इनके ऊपर से कैसे लगेंगे? ब्रेड खत्म हो गए, करी ले आओ ब्रेड। तो यार तुमने पूरे इन पे एक तरफ का लगा लो। अरे मैंने सोची धरे हैं फ्रिज में। चलो अपन चलते हैं, छाता लगा के, बारिश भी हो रही है, घर के पास में ही है दुकान, वहीं जा रहा हूँ लेने। गाइस दुकान बंद है बारिश की वजह से। ये बन गए आलू के सैंडविच, बढ़िया है। इनने खा रोटी चिपका दी, क्या सेट थे वो जो खा हो रहा है रोटी को बना रहा, रोटी को सैंडविच। कितना टेस्टी सैंडविच बना है, मैंने खा लिया, बढ़िया लगा मुझे तो। इसको भूख लगी थी बहुत ज्यादा, कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा बढ़िया। मम्मी कितनी सारी मैगी बना रही, एक करैया मैगी बना रही। मम्मी इतनी मैगी काया बना रही? पापा लेकर हैं, मम्मी कह रही है आज बिलात बिलात मैगी खाना। ये देखो जब से तो सोए नहीं आए थे, उतने लगे घूमने के लाजे, अब देखो सो गए, 7 बज गए। देखो गाइस चाचा गए थे मार्केट। चाचा क्या लेने गए थे? हम गए थे ये प्रोटीन एक्स, ये प्रोटीन पाउडर लेने गए थे साधना का,
जो कि खत्म हो गया था। ये देखो यहाँ पे बड़ी आराम से लेट के पता नहीं क्या सीरियल देख रहे हैं। ले जो ये तो ना, अरे वो डिब्बे में मिला नहीं तो ये ले आया। ये पहले डिब्बे में था तो ये खत्म हो गया था, ये डिब्बे वाला मिला नहीं है तो सेम ही वही है जो निकाल के डिब्बे में डाल लियो। देखो बाप का तो मन है अबे नाटक में। हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आई होप गाइस आप सभी बढ़िया होंगे। गाइस सुबह उठ गया है सोकर, पर साधना तो सो रही है, इसको प्रेगनेंसी पिलो की जरूरत पड़ने लगी तो ये इसी में सोती है। शिवांश अभी भी नींद आ रही है हैं? अभी भी नींद आ रही है क्या आपको हैं? और सो गए सुना है? और देखो गौरी बढ़िया आराम से बैठ रही है, सो भी रही और रौंथ भी रही। अभी ये सो रही थी अभी रौंथ भी रही है। आप भी खा के रौंथते हो ऐसे ऐसे? देख रही अपने आप को। चलो अपन तो चलेंगे घूमने के लिए। शिवांश आ गया है। देखो तो तुम पहले ये बताओ, ये तुम्हें लार दिख रही, तुमने ब्रश किया क्या? ब्रश किया तुमने? नो। नहाया है? नहाने जा रहे। अभी नहाया भी नहीं है? मम्मी नहाने नहीं दे रहे। तुमने ब्रश किया? नहीं। और तुमने वो खा रहे थे सुबह से, तुम क्या खा रहे थे? क्या खा रहे? क्या क्या खा रहे थे? ABCD खा रहे थे ना वो? ABCD खा रहे थे? हाँ तो ये भी तो खा रही थी। तो बिना ब्रश के? हाँ। कर लिया करो बेटा, तुम तो बड़े हो ना, वो तो छोटी है अभी। ए तुमने करो ब्रश हैं? कहूँ उन दो यार नहीं करा हैं? नहीं करा। ये भी खा रही थी ABCD। ABCD क्या होता है? वाह अबनी वाह, ये तो गाना था। अबनी बहन और नहासा से मिल गया बहन भाई से। देखो गौरी सो रही है। कल पीले कुर्ता पजामा पहना था सफेद। ओए बढ़िया लग रहा है। गौरी उठ गई तो आज हम गौरी को पिलाएंगे मठा। ये देखो मठा है, बाकी इसमें पानी डालेंगे और नमक डालेंगे और आटा डालेंगे। हमने इसमें नमक डाल लिया और आटा भी डाल लिया। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं, ये ना काफ़ी हेल्दी होता है। गौरी के बर्तन बढ़िया निरमा से धो के रख दिए, बढ़िया ये धो भी दिया और ये इसको इसलिए लगा दिया क्योंकि दीवार चट रही थी। आज गौरी ना सोएगी क्योंकि मठा से ना नींद आती है, तो इसलिए मैंने मठा में आटा भी डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, जिससे कि क्या है ना थोड़ा सा और हेल्दी हो जाता है मठा। और सुबह मैंने इसको सानी खिलाई दी थी रोटी के साथ रोल बना के। वहाँ ना धूप आ गई थी तो वहाँ से यहाँ आ गई मैं गौरी बढ़िया छाई में, बढ़िया आराम से यहाँ बैठ जाएगी। पता डेली क्या हो रहा है हमारे यहाँ, वही करीब 12-1-2 बजे तक धूप निकलती है बढ़िया, और फिर उसके बाद मौसम चेंज हो जाता है। 2-3 बजे तक मौसम बिल्कुल ऐसा चेंज हो जाता है, फिर वही 3-4 बजे तक बारिश भी होती है, डेली यही हो रहा है। तो गई साधना उठ गई है तो नारियल दे दिया मैंने इसको, और सुबह जल्दी उठ गई थी ये तो बढ़िया, अपना नहा धो के पूजा वूजा करके फिर सो गई, दवाई ववाई खा के ब्रेकफास्ट करके अभी उठी है तो ये नारियल दे दिया पीने के लिए। पी लिया? दवाइयों से नींद आती है। दवाइयों से नींद आती है? कोई बात नहीं, सो आराम करो। भैया जय बन गाँव है जूस, हमारे जूस को टाइम हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश जूस, ताजा जूस और पीले मक्खी जूस। अच्छा मक्खी जूस को मैं लगा का धरो? तुम्हें लगा जो धरो जूस, लो पी लो। ये संतरे का और अनार का जूस, बढ़िया हेल्दी। लो अनार से आए ताकत और संतरा के जूस से आए निखार। अब मुझे निखार नहीं आया, मेरे बच्चन को नहीं है तो आने है। जो तुम खाओ पियो बच्चन के पास जाए। पी लियो? थैंक यू, वेलकम। तो गाइस चलो अपन चलते हैं, जो अपना टीन टप्पल लेके धोने हैं या मशीन, बर्तन भी धोते हैं ये अपन। चलो ये मशीन धोने में ना बहुत दिक्कत आती है, वैसे धुल तो आराम से जाती है, तो दिक्कत यही आती है यार धोने की, ऐसा जूस बना के मशीन धोनी ना पड़े, लेकिन फैलाओगे तो संवारना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो धोते हैं इसको, धुल गई है मशीन। चलो बढ़िया। आज ना एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, इस समय बुरा टाइम भी चल रहा है और बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा है हमारा,
बुरा ऐसा कि बहुत लोगों ने हमारा साथ छोड़ दिया, और अच्छा ऐसे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। तो बस यही कहूंगा कि ऐसे ऐसे लोगों ने साथ छोड़ दिया, क्या ही बताऊं कि जिनके लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया, बहुत मदद की, बट ऐसे समय में सब ने हाथ खड़े कर दिए। जिससे हमें उम्मीद थी उसने भी नहीं की हमारी मदद, मतलब हमने उनकी मदद की, ठीक है, हमने उन्हें पैसा दिया, ठीक है, हमें हमारा ही पैसा नहीं मिला जरूरत पड़। तो ऐसे ऐसे लोगों ने भी इस सिचुएशन में हमारा साथ छोड़ा है। आज हम यहाँ रह भी रहे हैं ना, तो आज सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की वजह से रह रहे हैं। हम लोग शायद यहाँ नहीं रह रहे होते, कहीं और जाके रहना पड़ता, क्योंकि इतनी बुरी सिचुएशन आ गई थी कि क्या ही बताऊं। तो माँ बाप ने साथ दिया हमारा, और वो बात सही कहते हैं कि भाई कोई किसी का साथ नहीं देता, बस सिर्फ माँ बाप ही रहते हैं साथ में, और पति पत्नी रहते हैं एक दूसरे के साथ में, और भगवान साथ देता है बस। बाकी कोई दुनिया में ना कोई किसी का नहीं है, सब अपना अपना देख रहे हैं, सबको अपने अपने से मतलब है। बस दुख पता किस बात का हो रहा है, दुख इस बात का हो रहा है कि हमने किसी की मदद की, हमने पैसा लगाया, हर तरीके से हेल्प की, बट जब वही पैसा हमारे लिए मदद के लिए हमने मांगा, हमारा ही पैसा, तो भाई ऐसे हाथ खड़े कर दिए। अपना खुद जानो, मरो जियो, जो भी हो तुम खुद जानो। तो ना इन सब चीजों का बहुत ज्यादा दुख होता है। गाइस चाचा ये क्या कर रहे हैं? चाचा आप सुभाष को ऐसे क्यों घुमा रहे? टहला रहे हैं हम, बाहर घूम रहे हैं हम और सुभाष। क्यों ना घूमे क्या? घूमो सुभाष, मजा आ रहा है? हाँ बहुत मजा आ रहा है, मुझे तो बहुत बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर घूमने में। अच्छी बात है। क्या कर रही हो? गेट बंद है। कहाँ का? उधर का। आम खोल दे। देखो दादी आ गई है शिवांश की, शिवांश को लेने के लिए। जाओ शिवांश जी, चले गए। ठीक है शिवांश, बाय बाय। गाइस करते हैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को खत्म। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी को राधे राधे।